कृपया करके मेरे इस वीडियो को मिसयूज ना करें, एंड जो भी करे खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करे, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज यूर सब्सक्राइब इज मोटिवेटिंग मी। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइज आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद इधर सर्च बार में सर्च करना है ऑटो क्लिकर। ओके, ऑटो क्लिकर सर्च करना है, एंड उसके बाद ये जो पहला वाला एपीके है इसको इंस्टॉल करना है। अभी इसको ओपन करना है, तो जैसे कि आप ओपन करोगे इधर ओके प्रेस करना है, एंड उसके बाद इधर आपको परमिशन देना है। जैसा कि मैं परमिशन देता हूँ, इधर ऑटो क्लिकर पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद इधर इनेबल करना है। ये वाला पहला वाला जो ऑप्शन है इसे अलाउ कर देना है, एंड दैट्स इट। नाउ बैक आ जाना है, एंड ये जो आप पहला वाला चीज़ देख रहे हो ना, सिंगल टारगेट मोड, तो इसको नहीं इनेबल करना है। सेकेंड वाला जो मल्टी टारगेट मोड है इसको इनेबल करना है। तो पहले वाले को आप छोड़ दो और दूसरे वाले में आके इधर इनेबल पर क्लिक करो। ओके, तो क्लिक करने के बाद ये आप एक फ्लोटिंग विंडो देख सकते हो। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, अभी फायरफॉक्स या फिर क्रोम यूज़ करके लॉगिन करना है। तो मैं भी लॉगिन करता हूँ, तो डी शिपिंग सर्च किया, उसके बाद पहले वाला वेबसाइट, उसके बाद ई लर्निंग में जाना है, एंड मॉड्यूलर कोर्स में जाके क्लिक करना है। तो नीचे वाला मॉड्यूलर कोर्स क्लिक कर दिया, अभी देख सकते हो ओपन हो रहा है। बस ओपन हो गया, अभी मुझको इधर कैप्चर डालना है। तो कैप्चर डालने के बाद मुझको लॉगिन करना है, मतलब साइन इन करना है। ओके, इसके बाद ओके करना है, एंड अभी इसको थोड़ा साइड करके इधर फिर से ओके करना है। इधर टाइमिंग बोल रहा है, तो जस्ट ये टाइमिंग से अंदर मुझको लॉगिन करना है, दैट्स इट। 5 मिनट्स लेटर। तो गाइस 5 मिनट हो चुका है और अभी मैं कैप्चर डाल रहा हूँ, एंड डालने के बाद साइन इन ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, एंड देन ओके। तो अभी मुझको मेरा जो फेस है इसको वेरीफाई करना है। तो कैमरा ऑन हो गया है और अभी मुझको कैप्चर फोटो में क्लिक करना है। तो मैं डालता हूँ मेरा फ़ोटो, चलो तो डाल दिया कैप्चर फोटो। अभी वेरीफाई फ़ोटो में क्लिक करना है, एंड देख सकते हो वेरीफाई हो रहा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मेरा सारा एनरोल किया हुआ कोर्सेस सामने शो कर रहा है। तो अभी मुझको क्या करना है, वो जो ऑटो क्लिकर ऐप है ना उसको फिर से इनेबल करना है, मल्टी टारगेट ऑप्शन को। तो इसको हम इनेबल करते हैं, एंड इनेबल करने के बाद फिर से फ्लोटिंग विंडो आ गया है। तो फ्लोटिंग विंडो आने के बाद फिर से हमको फायरफॉक्स ओपन करना है, मतलब आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो वो ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद कोई भी कोर्स करिए, जो कोर्स आप लर्निंग करना चाहते हो वो उस कोर्स पे क्लिक करिए, एंड क्लिक करने के बाद इधर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला जो प्लस वाला आइकन है ना फ्लोटिंग विंडो में, उसमें क्लिक करना है, एंड इसको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के उधर एकदम बीच में फिक्स कर देना है। इसको फिर से प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। तो मैं फिर से प्लस वाला आइकन को उधर सेट करके उसके बाद समझाता हूँ। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको भी वैसे वैसे करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है, एंड दूसरा वाला को डालना है से प्रीवियस वाला आइकन पे। ठीक है, दोनों को एकदम सेट कर देना है। सेट करने के बाद पहले नंबर 1 पे क्लिक करना है, वो शो करवाने के लिए सेकंड पर क्लिक कर रहा हूँ, 5 सेकंड क्लिक कर रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं इधर 5 सेकंड टाइप कर देता हूँ। तो एक नंबर पे मैंने 5 सेकंड दिया और दो नंबर पे भी मैं 5 सेकंड देता हूँ। ठीक है, एंड लास्ट में ये जो प्ले बटन है ना इसको प्ले करना है। तो इसको टैप करने के बाद अभी देख सकते हो ये जो प्रोसेस है ये चालू हो चुका है। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 सेकंड बाद नेक्स्ट क्लिक होगा और 5 सेकंड बाद प्रीवियस क्लिक होगा, यही चीज़ बार बार चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, ऐसा करते करते बार बार चलता रहेगा। तो इससे डी शिपिंग क्या समझेगा, डी शिपिंग इससे समझेगा कि ये बंदा ई-लर्निंग कर रहा है, एंड इससे आप आसानी से एकदम ई-लर्निंग कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ बता देता हूँ कि देखो, अगर आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर अगर कोई कॉल आता है तो इसमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या करना, आपके घर में जो एक एक्स्ट्रा फ़ोन होगा या फिर जो फ़ोन यूज़ नहीं होता होगा तो वो फ़ोन यूज़ करना, और अगर आप खुद का फ़ोन यूज़ करोगे तो सबसे पहले क्या करना, खुद का फ़ोन में ऊपर DND ऑप्शन और मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑप्शन को इनेबल कर देना, एंड उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ना इसको रन कर देना है। उसके बाद आप बिंदास रहिए, आपका जो ई लर्निंग है ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है गाइस,
सो गाइस लास्ट में मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि देखो मैंने जिधर 5 सेकंड का टाइमिंग दिया था टारगेट ऑन पे एंड टारगेट टू पे, तो उधर आपको क्या करना है 5 मिनट का, ठीक है, सेकंड का नहीं 5 मिनट का टाइमिंग सेट करके एक्शन को प्ले कर देना है। एंड उसके बाद आपका ई लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा एंड बस आपको अभी ई लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको अभी इन्जॉय करना है। एंड अभी आशा करते हैं कि आपका जो ई लर्निंग है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज योर सब्सक्राइब इज मोटिवेटिंग मी, दैट्स व्हाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।